उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जिला कोर्ट के बाहर शामली उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुए बदमाश संजीव माहेश्वरी जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 22 से अधिक मुकदमों में नामजद संजीव जीवा की लखनऊ कोर्ट के बाहर उन बदमाशों ने हत्या की जो यहां पर वकील के ड्रेस में आए थे। बदमाशों ने संजीव जीवा पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और इसके बाद यहां से भागने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद यहां मौजूद वकीलों ने इन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि बुधवार को संजीव जीवा को कोर्ट लाया गया था और यहां पर उसकी पेशी कराई जानी थी। इस दौरान वकील के ड्रेस में यहां पहुंचे बदमाशों ने उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग होने के बाद संजीव जीवा गंभीर रूप से घायल हुआ और मौके पर दम तोड़ दिया। संजीव जीवा का नाम उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में भी आया था। ब्रह्मदत्त द्विवेदी बीजेपी के वही नेता हैं जिन्होंने गेस्ट हाउस कांड के दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती की जान बचाई थी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के अलावा संजीव जीवा का नाम कृष्णानंद राय की हत्या में भी आया था। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के मामले में संजीव जीवा को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर कृष्णानंद राय के केस में संजीव जीवा बरी हो गया था। उसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के गैंग से भी था, जिसके बाद पुलिस ने उसे कई मामलों में गिरफ्तार किया था। इस पूरी घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। बीते दिनों अतीक अहमद की पुलिस हिरासत में मौत और उसके बाद उमेश पाल की पुलिस हिरासत में हुई हत्या के बाद इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ा है। नाम शामली के बड़े बदमाश संजीव जीवा का है, जिसके ऊपर हत्या, फिरौती, रंगदारी समेत कई गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज। गोली लगी हुई है और वकील को भी गोली लगी है। जब हम लोग यहाँ सेफ नहीं है, हमारा प्रोटेक्शन नहीं, हम किसका करेंगे? ये गवाह को मारने के लिए ये आदमी व्हाइट शर्ट पहन के आया है। पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो चेक करे? हम लोग सीओपी आईबी एग्जाम देके यहाँ आते हैं वकीलों की पैरवी करने। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये सिक्योरिटी है हम लोगों की? इस तरह काम करेंगे लोग? कोई भी वकील चलाएगा नहीं। सब कुछ मतलब अभी तक पता चला है कि एक व्यक्ति के द्वारा गोली चलाई गई है, जिसमें इंजर्ड हुए हैं, उनको ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। बाकी डिटेल हम लोग पता कर रहे हैं, अभी बाकी क्लियर नहीं है। अभी कुछ भी डिटेल नहीं है हमारे पास, जब होगा तो हम आपको बता रहे हैं। एससीएसटी कोर्ट में एक व्यक्ति आया था वकील के ड्रेस में, उसी ने वहाँ पे एक महिला को मारा, एक सिपाही को भी गोली लगी है, यही घटना हुई थी। जानकारी कुछ 10 मिनट पहले भी वहाँ परिसर से निकला हूँ, परिसर निकला तुरंत व्हाट्सएप पे फोन पे कॉल आया कि यहाँ पे क्या कहते हैं गोली कांड हो गया। उसमें एक महिला, एक क्या कहते हैं बच्ची तत्काल खत्म हो गई, जिसको गोली मारी वो भी खत्म हो गया, ठीक है। एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है और महिला को ये लोग क्या कहते हैं ट्रामा सेंटर बताया जा रहा है कि लेके गए हुए हैं।